नमस्कार मेरे दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं अंजीर खाने के फायदों के बारे में। मेरे दोस्तों, अंजीर तो आपने बड़ी बार खाया होगा, उसका सेवन किया होगा। क्या आपको अंजीर खाने के ऐसे अनोखे फायदों के बारे में पता है, जिसे खाकर अगर आप अंजीर का सही मात्रा में और सही तरह से और डेली रूटीन में अंजीर का सेवन करते हो तो मेरे दोस्तों मजाक नहीं, सच में आपका तन मन धन सब खुश हो जाएगा। क्योंकि अंजीर में ऐसे बहुत से कैल्शियम, प्रोटीन, पोटेशियम और भी बहुत से ऐसे प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं, जिन्हें अगर आप अपनी डेली रूटीन में शामिल करें तो आपका तन मन धन सब खुश हो जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पर कमेंट करें। मेरे दोस्तों, अंजीर खाने का पहला सबसे बड़ा फायदा मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है हड्डियां। अगर आपकी हड्डियां स्ट्रांग है तो यानी आप स्ट्रांग हो। एक शरीर को तंदुरुस्त रहने के लिए पहली बात तो हड्डियां बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, क्योंकि हड्डियां से ही हमारा पूरा शरीर काम करता है। अगर हड्डियां कमज़ोर है तो हमको थकावट होने लग जाती है, सिर में दर्द, कमर में दर्द, पैर में दर्द, हाथ में दर्द और ना जाने कहां कहां दर्द होता है मेरे दोस्तों। लेकिन अगर हमारी हड्डियां मजबूत हैं तो हमारा शरीर एक ऐसा शरीर है जो हर कार्य को करने में सक्षम होता है, यानी हर एक काम कर सकता है। हड्डियों को मजबूत करने के लिए आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है अंजीर। अंजीर को अगर आप दूध में मिलाकर उसका सेवन करते हैं तो आपका शरीर में कुछ ही महीनों में आप इम्प्रूवमेंट देखोगे और आप बोलोगे स्ट्रॉन्ग हेल्थ की वीडियो ने के होस्ट ने जो बात बोली थी वो सही बात बोली थी कि हमारी हड्डियां मजबूत हो गई है। पहले भी हम अपने चैनल पे ऐसी चीज़ें लेके आते रहते हैं, आपने देखी भी होंगी, बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं सर हमारा सही हो गया, ऐसा है वैसा है। कई लोग हमको नेगेटिव भी बोलते हैं कि सर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया। मेरे दोस्तों, इम्प्रूवमेंट तो तभी आएगा ना जब आप उन चीज़ों पर कार्य करोगे। हम लोग ऐसे लोग हैं, हम ना ऐसे बंदे हैं, ठीक है। अगर ना देखो जैसे कि आज मैं हूँ, मैं जिम गया, ठीक है, अब मैं कल अपनी बॉडी देखूंगा, हाँ भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ ऐसे वैसे, परसों देखूंगा, उसके बाद भी देखूंगा, उसके बाद देखूंगा, उसके बाद मैं कहूँगा यार कुछ इंप्रूवमेंट तो आने रहा तीन चार दिन में ही, ठीक है, चल यार छोड़ स्किप करते हैं, रहन देते हैं, है ना। पर हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर हम वो चीज़ डेली रूटीन में कर रहे हैं ना तो हमें वो चीज़ें करनी चाहिए, है कि नहीं है। अगर आप अंजीर का सेवन डेली रूटीन में करते हो, है कि नहीं है, ज़्यादा नहीं कहता आपको 6 महीने, अगर 6 महीने में ना अगर आपके शरीर में इंप्रूवमेंट नहीं आया, अगर 6 महीने में आपके शरीर में इंप्रूवमेंट नहीं आया तो मेरे दोस्तों आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, बात ही खत्म, है कि नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों आज मैं आपको अंजीर खाने का मैं आपको दूसरा फ़ायदा बताने जा रहा हूँ, वह है मेरे दूसरा फ़ायदा दोस्तों मोटापा। आज के बच्चे हो गए, आप हो गए, हम हो गए, कौन ऐसा है जो फास्ट फूड का सेवन नहीं करता, जंक फूड का सेवन नहीं करता। मेरे दोस्तों आज के समय में जंक फूड एक ऐसा हो गया है जैसे कि दाल रोटी और सब्जी होगी। आज के समय के बच्चे जो बाहर रहते हैं या फिर बाहर जाते हैं वो ज़्यादातर हॉट डॉग, बर्गर, पिज़्ज़ा, मैक्रोनी एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनका सेवन करते हैं, जिनसे हमारे शरीर में क्या होता है, वसा की मात्रा बढ़ जाती है, शरीर फूलने लगता है, मोटा हो जाता है। फिर हम एक्सरसाइज करते हैं, फिर हम यूट्यूब पर वीडियो सर्च करते हैं पतले होने के तरीके बताओ कि हम पतले कैसे हुए, है कि नहीं है। पर मेरे दोस्तों अगर हम अपने डेली रूटीन में भी अंजीर का सेवन करते हैं, गीला अंजीर, यानी कि मैं अगर आपको बताऊं गीला अंजीर मतलब पहले आपको रात को अंजीर को भिगो के रखना है और सुबह उठ के उसे खाना है। अगर मेरे दोस्तों आपने ऐसा नहीं करा फिर मेरे को ना बोलना कि हमारे शरीर, फिर आप कभी आप मुझे गाली दोगे, हाँ भाई स्ट्रॉन्ग हेल्थ के होस्ट आपने कहा था कि अंजीर खाने के फायदे होंगे या हमारे फेस से पिंपल्स हो गए हैं, शरीर में गर्मी आ रही है। मेरे दोस्तों ऐसा तो हो नहीं है, चीज़ को अगर आप तरीके के साथ खाओगे तो ज़िंदगी में कामयाब हो जाओगे। हर चीज़ को तरीके के साथ करो, आपसे बड़ा यहाँ पे कोई नहीं है। अगर आप जंगल में हो तो आपसे बड़ा कोई शेर नहीं है। मेरे दोस्तों मेरे कहने का मतलब यही है, अगर आप अंजीर को रात को पानी में भिगोकर सुबह उसको पानी उसका पानी फेंक के और अंजीर का एक या दो अंजीर खाओ, आप डेली खाओ, सस्ता भी मिलता है, बढ़िया भी मिलता है और ड्राई फ्रूट में सबसे सस्ता भी फ्रूट ये माना जाता है। क्योंकि यार कुछ फ्रूट तो महंगे होते हैं, कुछ सस्ते होते हैं, कहीं के हिसाब कुछ और होता है, कहीं के हिसाब कुछ और होता है। मैंने आपको ये तरीका बताया है, बहुत ही बढ़िया तरीका बताया है, इसलिए मैं आपको ऐसी चीज़ें अपने चैनल के माध्यम से बताते रहता हूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब साथ के साथ करते रहें, और अगर आपने नहीं कराया तो यार मैं क्या कर सकता हूं, है कि नहीं है। और तीसरा बड़ा फ़ायदा है डायबिटीज़। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हो तो अंजीर का सेवन करो, अंजीर का सेवन करो, मैं आपको फिर समझा रहा हूँ। अंजीर में फैटी एसिड और विटामिन पाए जाते हैं जो डायबिटीज़ में मददगार हो सकते हैं। अंजीर खाने का चौथा सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अगर आपकी हाइट बढ़ नहीं रही है, आपकी हाइट छोटी रह गई है या फिर आप बोने रह गए हो, तो मेरे दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अंजीर का सेवन आपने कैसे करना है कि जो
आपकी हाइट में ग्रोथ आए, आपकी हाइट बड़ी हो, आपका शरीर सुंदर लगे और अच्छा लगे। मेरे दोस्तों, आपने अंजीर के बारे में तो सुना ही है और मैं आपको इतनी देर से बता भी रहा हूँ, लेकिन अगर आप अंजीर का सेवन रात को पानी में भिगोकर करते हैं और सुबह उठकर उसका सेवन करते हैं तो आप कुछ ही महीनों में अपनी हाइट में भी ग्रोथ देखेंगे कि आपकी हाइट बड़ी हो रही है। मेरे दोस्तों, अंजीर खाने का पांचवा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, आँखों की रोशनी। आँखों की रोशनी के लिए अंजीर बहुत ही बढ़िया फल माना गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं आजकल के बच्चे, आप हो गए, मैं हो गया, हम सारे ही फ़ोन पे लगे रहते हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में हमको आँख की रोशनी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन अगर हम डेली रूटीन में अंजीर का सेवन कर रहे हैं तो हमको आँखों की कमजोरी का खतरा बना नहीं रहता, क्योंकि आजकल के बच्चे आँखों की रोशनी की वजह से ही उनको कम उम्र में ही चश्मा लग जाता है, जैसे कि आप आजकल देखते भी आ रहे हो। मेरे दोस्तों, आज मैंने आपको बताए अंजीर खाने के पाँच बड़े फ़ायदे। अब मैं आपको बताऊँगा अगली वीडियो में अंजीर कहाँ, कैसे, कब खाना चाहिए, किसके साथ खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, शरीर में कब कैसे इम्प्रूवमेंट आती है, सबसे बड़ी बात किसको खाना चाहिए और किसको नहीं खाना चाहिए। ऐसी वीडियो मैं अपने चैनल स्ट्रॉन्ग हेल्थ पर लेकर आता रहता हूँ। मेरे दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और जो नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए उसके बारे में भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लेकर हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी विकास कुमार और श्रद्धा मैडम को लेकर। अगर आपको भी किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।